अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ थोड़ा अपना हूँ शाहिद शबीर बाबा जी, और इतिहास के मुख्तलिफ पन्ने लैके जा बजा जगह उत्ते मैं पहुँचना वा। और तुसी देख रहे हो रेडियो साढ़े वाला एंड वैब टी वी ऑफ साढ़े वाला ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो। हाँ जी जी, जिथे भी जदों भी पंजाबी इतिहास की गल आती है तो पंजाबियों के किते हुए सोहने काम जड़े ने वो पूरी दुनिया के उत्ते दिसते भी ने, दिखते भी ने, और हले तक उन्होंने वाकयात जड़िया ने वो बाकी हैं। मैं अक्सर वाटर रिजरवाइट्स की गल करता हाँ, पानी दियां बन्ना की गल करता हाँ, जिथे कि कदी पानी जानवर पींदे सन और औरतां कपड़े धोंदियां सन, ये वो थावां ने पंजाब दियां, यानी कि नॉर्थ वैसट पंजाब रावलपिंडी तो तुसी अगर मंदरा आओ, और मंदरे तो फिर तुसी अगर जाना होए चकवाल वाली साइड दे तो रस्ते दे विच आंदियां होए गाखड़ा पिंड आंदा जी खब्बे हथ, उत्थे कदी तीन बोड़ां वाली बन हुंदी सी जिहदे विचों एक बोड़ तो खत्म हो गई है, दो बोड़ां अज भी बाकी ने। बोड़ दा बैनियन ट्रीज़ दा मतलब बाबा बोड़ असी कहने आ, क्योंकि ये शेड प्रोवाइड करदे सन, इत्थे सख्त गर्मी पैंदी है। जदों सख्त गर्मी पैंदी सी ते लोग सफ़र करदे होए जी टी रोड तो लंघदे सन ते इस जगह दे उत्ते स्टे हुंदे सन उन्हां दे, और उन्हां जगह दे उत्ते बैठ के कह लो तुसी रेस्ट करदे सन दरख्तां थले, और उस तो बाद नहा के ते अपने सफ़र दा अगे सफ़र किया जाता सी। और मोस्टली जिहड़ा सिख पीरियड दे विच और ब्रिटिश पीरियड दे विच ये चीज़ां जिहड़ियां ने वह सामने आईयां सन और पंजाबी संगत वल्लों आईयां सन। लागे ही पिंड है मास्टर तारा सिंह दा, जिहनूं कि हरनाल कहा जाता है, और होप तुहानूं उह वी असीं वन डे दिखावांगे और अपने लैके जावांगे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल, तुहानूं बहुत ज़्यादा सारियां चीज़ां ऐसियां दिखावांगे जिहड़ियां कोई नहीं दिखाएगा। सो कीप इन टच, स्टे टू ट्यून रेडियो साढ़े वाला एंड साढ़े वाला वैब टी वी ते शाहिद शबीर ऑफिशियल। आह देखो पिछे दिखाओ जी, जरा पिछे थोड़ा जिन्ना किन्ना सोहना ऐ लगी हुई है जी, मक लगे ने जिन्हों जवार कहते ने, वो लगी हुई है, चरई लगी हुई है, ठीक है जी। सर्दियों के जो ये पक जाती है तो फिर जानवर ने खाने वास्ते काम आती है जी, ठीक है जी। और कई लोग इन्हों बालन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सोहना भरिया भुरिया खेत है, बड़ा वधिया लग रहा है, और तरह तरह दियां चिड़ियां जिहड़ियां ने इहदे ते खाण वास्ते आउंदियां ने। बैनियन ट्री की गल कर रहे थे, आ देखो तुसीं किन्ना सोहना नीयर अबाउट जिहड़ा है कोई 150 साल पुराना जिहड़ा है बैनियन ट्री है। एक दूजे पासे भी है लेकिन वह बेचारा कोई आखिरी साह गिन रहा अपने। तो इस पानी की बंद विच हुण पानी है नहीं, इहदा मतलब है कि विलेज का पानी जिहड़ा उहनूं डाइवर्ट किया गया किसी होर साइड के उत्ते, वरना बारिशां का पानी जिहड़ा हुंदा सी पूरे पिंड का। आह देख लो तुसीं रस्ता बनिया होया, इतों जे सारे पानी ने वो जाते हो गए इस जगह देते, इतों की होके ये वो सर्विसिज ने। देखो घट्टो घट मेरा ख्याल है कोई एक किले के उत्ते फैलिया होया ये पानी की बन है, और इतने की रिक्वायरमेंट होंगी सी क्योंकि लोगों को उस वेले ये बहुत ज़्यादा पानी दे सोर्सेज नहीं सी हुंदे, और नॉर्थ वैसट पंजाब दे विच पानी दा अज भी काल है, बहुत गहरे बोर करने पैंदे ने। और बाबा बोड़ दियां तुसी शाखां देखो किन्नियां गूड़ियां फैलियां हुई ने, अमेजिंग जी। इहदा बन बन खाली जिहड़ा वा कोई 20-20 फुट मोटा वा। रूट्स देखो किन्नियां ही गहरियां ने, बहुत उच्चा है, और नॉर्थ वैसट विच बड़े बड़े उच्चे बोर्ड जिहड़े ने अज भी मौजूद ने। इन्हां दे डाल देखो तुसी, आ देखो इत्थों आके कट्टे भी हुए है, इहदा मतलब बिल्कुल जमीन ना जाके लगदे होणगे, इन्ने लंबे है। और किसे हद तक पोठोहार दे अंदर हले भी जिहड़े पानी दियां बन्नां ने वाटर रिजरवाइज ने वह खालसा पीरियड दियां यादां करवाउंदियां ने, याद करवाउंदियां ने, और नाल दी नाल ही सानू जिहड़े शेड वास्ते लाए गए है ट्री ने इन्हां दी याद आउंदी है। और हर पिंड दे बाहर वड्डे पिंड दे बाहर तुहानू एक अद्धी बोड़ या चार बोड़ां या छे बोड़ां जिहड़ी है वह नज़र आउंदियां ने। बहुत ही वधिया, इत्थों मेरा ख्याल बोड़ कट्टी हुई है इस जगह तो, लेकिन इदां लग रहा है कि इहदियां नवीं शाखां बहुत ज़्यादा निकलियां ने। रूट्स दस रही ने कि
ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋੜਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੰਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਜ਼ ਦਾ। ਵਾਟਰ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਜ਼ ਕੁਛ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਕਦੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਲੋਗਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਗਹਿਰੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਗਖੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਬੰਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਡੇ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਾੜ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੋੜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਹਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰਡਲੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਗਾਖੜਾ, ਗਾਖੜੀ, ਮੰਦਰਾ, ਚਕਵਾਲ ਰੋਡ, ਹਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੰਦਰਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਇਹ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਔਰ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ।